खबर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी आपको दे रही है। प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद रहेंगे पांच लोग। प्राण प्रतिष्ठा में पीएम समेत पांच लोग रहेंगे मौजूद। गर्भगृह में पीएम मोदी समेत पांच लोग मौजूद रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। राम मंदिर के मुख्य आचार्य भी मौजूद रहेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और ऐसे में सिर्फ पांच ही लोग हैं जो प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गर्भगृह में पीएम मोदी समेत पांच लोग मौजूद रहेंगे, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत है, सीएम योगी आदित्यनाथ है, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है और राम मंदिर के मुख्य आचार्य जो हैं वो मौजूद रहेंगे। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं। 22 जनवरी के दिन का इंतजार भारतवासियों को है, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला अपनी जगह पर विराजमान हो जाएंगे। राम मंदिर का कार्य बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। गर्भगृह में पीएम मोदी समेत पांच लोग मौजूद रहेंगे जो इस प्राण प्रतिष्ठा के दिन मौजूद रहने वाले हैं। तो पूरा देश राममय माहौल में रंग चुका है, लेकिन कांग्रेस नेताओं को इससे भी परेशानी होने लगी है। पहले राम मंदिर निर्माण के खिलाफ आवाज उठाने वाली कांग्रेस अब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर भी सवाल खड़े कर रही है। राम नाम की गूंज क्या विपक्ष को परेशान करने लगी है? क्या अयोध्या का उद्धार विपक्ष को स्वीकार नहीं, या फिर ये सिर्फ बौखलाहट है जिसकी आहट अब धीरे धीरे सुनाई देने लगी है? ये फंक्शन हो रहा है एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट के रूप में। प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री यूपी के मौजूद रहेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होने की जगह उसकी राजनीतिकरण जो हो रही है। हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक धर्म का धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला तेज बाबरी मस्जिद जो हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दी जाए। आपका योगदान क्या बताइए, आप भगोड़े हैं इस हिंदुत्व के मैदान से, मैदान क्या भगोड़े हैं। चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस, मंदिर निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा से आहत है। न्योते दिए जा रहे हैं लेकिन कबूल नहीं कर पा रहे, और कांग्रेस के एक नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पूरे देश में राम मंदिर और राम जन्मभूमि की बातें उन्हें परेशान करने लगी है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा, जब पूरा देश राम मंदिर और राम जन्मभूमि पर अटका हुआ है ये मुझे परेशान कर रहा। राम मंदिर निजी मामला है, इसे देश का एजेंडा ना बनाया जाए। प्रधानमंत्री स्कूलों में समय देने की जगह मंदिरों को समय दे रहे हैं। यानी कांग्रेस के नेता मान चुके हैं कि उन्हें धर्म कर्म में नहीं, जनता की आस्था में नहीं, बल्कि सिर्फ राजनीति में रुचि है। And when the entire nation is hung up on Ram temple and Janmabhoomi and all this stuff, it really upsets me, bothers me. So religion is something very personal. Don't nationalize it. Don't use for political gains. The Prime Minister is spending time in temples all the time. It bothers me. कभी सत्ता के शिखर पर बैठी कांग्रेस का पतन जारी है। धीरे धीरे कई राज्यों की कांग्रेस सरकार घुटने पर आ चुकी है, लेकिन उनके पास इस खत्म होते जनाधार की नहीं बल्कि राम मंदिर निर्माण की चिंता और विराजमान होते प्रभु राम के नाम सियासत करने की है, जिसमें करोड़ों राम भक्तों की आस्था है। कांग्रेस भगवान श्री राम को काल्पनिक बताती थी, उन लोगों को अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, देश पूरा खुश है, जो राम विरोधी हैं वो दुखी हैं, लेकिन उनके दुखी होने से रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का जो कार्य चल रहा है ना वह प्रभावित होगा, ना अयोध्या का सर्वांगीण विकास प्रभावित होगा, और ना हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उनके जो विकास का काम है वह प्रभावित होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से अयोध्या का विकास कर रहे हैं, काशी का विकास कर रहे हैं, मथुरा वृंदावन का विकास कर रहे हैं। कष्ट हो रहा है और ये कांग्रेसी ज्यादा परेशान है,
तो उनकी सत्ता चली गई है तो दूसरे की सत्ता में और दूसरे के कार्यों में दखल देना चाहते हैं और उनको खराब लग रहा है राम मंदिर का निर्माण और लगा रहे हैं कि बेरोजगारी और क्या कहते हैं कि महंगाई इसको लेकर ये महंगाई बेरोजगारी शुरू से है, आज से नहीं है, कांग्रेस के समय से है। राम मंदिर का आकार दिव्य और भव्य हो रहा है और वो घड़ी भी नजदीक आ रही है जब रामलला टेंट से हटकर भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे, जिसके लिए पक्ष के साथ ही विपक्षी नेताओं को भी न्योता मिलने लगा है। मनमोहन सिंह को न्योता, जाएंगे या नहीं कंफ्यूजन है। मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता, जाएंगे या नहीं क्लियर नहीं है। सोनिया गांधी को भी न्योता मिला है, जाएंगे या नहीं बताया नहीं। अधीर रंजन चौधरी को भी न्योता मिला है, जाएंगे या नहीं साफ नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी न्योता मिला है और वो जरूर जाएंगे। यानी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से विपक्षी नेताओं को न्योता तो मिल रहा है, लेकिन 99% केस में अब भी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। लेकिन बीजेपी इन सबके इतर अपने अभियान में जुटी हुई है, क्योंकि राम मंदिर ही वो कुंजी है जिसके सहारे बीजेपी हर चक्रव्यूह को भेदती जा रही है। हिंदुत्व ही वो हथियार है जिसके सहारे मोदी योगी चुनाव अभियान को धार दे रहे हैं, और सनातन ही वो रास्ता है जिसके एक छोर पर अयोध्या तो दूसरे छोर पर काशी की डोर बंधी है, और उसी डोर को और मजबूत करने के लिए डोर टू डोर दस्तक दिया जा रहा है और प्रभु श्री राम के नाम अभियान चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।